आपके पास रेडमी का कोई भी स्मार्टफोन है, उसमें यूट्यूब ऐप है वो चल नहीं रहा है, ये देख सकते हैं बफरिंग होता रहता है लेकिन ये चलता नहीं है, ठीक है। ये कभी कभी नेट आ जाता है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से बफरिंग होता रहता है, ये देख सकते हैं, और चल भी नहीं रहा है आपका, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो आप कैसे सही कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत आ जाता है बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। कुछ भी लिखा आता है एरर, ठीक है, कुछ भी एक्स वाई जेड, आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। पूरा देखने के बाद ही आप अपने रेडमी के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर यूट्यूब को नहीं चला पा रहे हैं तो वो 100% चलेगा। वीडियो बस देख लीजिए पूरा, एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें आपके लिए नई वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, अपने मोबाइल का जो पावर वाला बटन है वो दबाएंगे रेडमी के स्मार्टफोन के अंदर, और रीबूट आप यहाँ कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले फ़ोन को रीबूट करना है, ठीक है, स्टेप बाई स्टेप आपको करना होगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बड़ी, ठीक है। नंबर एक तो ये करना है, दूसरा आपको अपनी नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करना है, यहाँ पे आपको देखना है एरोप्लेन मोड, ये देख पा रहे होंगे एरोप्लेन मोड होगा, इधर उधर करके देख लीजिए, एरोप्लेन मोड एक बार प्रेस करेंगे, फिर से आप इस पर प्रेस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा वेट करना है, यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में, ठीक है, ये मत सोचना कि कनेक्शन नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है, बस वेट करना है थोड़ा। उसके बाद आपको फिर से चेक करना है आपका यूट्यूब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं थोड़ा बैठ जाऊँगा, मैं फिर से क्लिक करता हूँ, अब देखेंगे अभी मेरा YouTube है वो यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत चलता है लेकिन बफरिंग ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी सिम कार्ड हो आपकी ऊपर शो हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा ऑन होना चाहिए, जो वोल्ट का ऑप्शन है वो बंद होगा तो उसे आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपका अगर दो सिम लगा हुआ है तो इंटरनेट जिस भी सिम में है वो सिम को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मेरे एक ही फ़ोन एक ही ये मेरे एक ही सिम है तो यहाँ शो हो रही है, तो इसमें नेट है मेरा, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा है एक्सेस पॉइंट नेम, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है रीसेट, तो यहाँ रीसेट आपको कर दीजिए, आपको करना होगा। तो यहाँ पे कोई भी आपको APN सेटिंग बताता है कि बेस्ट APN सेटिंग, ये सेटिंग वो आपको नहीं करनी होगी क्योंकि वो आपके फ़ोन के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है, ये आपको करना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेटवर्क जो टाइप है, यहाँ पे अगर आपका फ़ोन 5G है तो 5G सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके क्षेत्र में 5G है तभी आपको सेलेक्ट करनी है, नहीं तो आप यहाँ पे प्रॉपर LTE मोड को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे लिखा होगा जो भी सिम कार्ड होगा वो यहाँ पे, और इसे ऑन होगा ये, ठीक है, ये आपको करना होगा। नेक्स्ट आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, सेटिंग के फर्स्ट वाले चैप्टर पे आएंगे, यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर पे क्लिक करेंगे, नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी जो देख वाईफाई या मोबाइल डाटा है ब्लूटूथ है ये आपको रीस्टार्ट कर लेनी होगी, इस पर क्लिक करके ओके करके, ठीक है, ये आपको करना होगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप करते जाइए, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक ये भी कार्ड हो सकता है कि आपके क्षेत्र में जो डाटा की स्पीड है वो थोड़ा स्लो होगी, ठीक है, या फिर यूज़र जहाँ ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ डाटा की स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डाटा की जो स्पीड है थोड़ा स्लो है क्योंकि मौसम ख़राब भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ टाइम आप वेट कर लीजिए, नहीं तो आप 198 पे कॉल करके अपने कस्टमर केयर से बात कीजिए, उनसे अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है यानी कि नेट नहीं आ रहा है वो रजिस्टर कराइए, उसके बाद आपका यूट्यूब चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सिम कार्ड पर डिपेंड करता है ना कि फ़ोन पर, ठीक है। अगर आपके सिम कार्ड के अंदर अच्छे से नेट चलेगा तो फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन की प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल लेता हूँ मैं इस वीडियो में, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।